मदीने के आका को दिल दे चुका हूँ। नवीदे मसीहा को दिल दे चुका हूँ। मुझे खौफ महशर में हरगिज न होगा, मुझे खौफ महशर में हरगिज न होगा। दो आलम के दाता को दिल दे चुका जो है हजरत आमिना का दुलारा, जो है हजरत आमिना का दुलारा, जो है हजरत आमिना का दुलारा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसकी नजर जर्रे जर्रे विखा की है, जिसकी नजर जर्रे जर्रे विखा की है, जिसकी नजर जर्रे जर्रे विखा की। TFM 98.2
की समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZU FM 98.2। सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM ओनली ऑन ZU FM 98.2। पयामे जुस्तजू। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। This is morning vibes with me। आपका हमारा साल रहेगा आपसे लेकर पूरे पूरे 11 बजे तक करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन उससे पहले सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? शायद स्कूल जाए, कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए या फिर जाए ऑफिस, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। तो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर से सिस्टम है, आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है, बताना होता है कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो हैं आप घुन्ना लिसनर, सुगुनो बहुत वो घुनापन बता दीजिए, सुनते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके रोज आना। अरे हम कुछ नहीं कहेंगे सच्ची में, हम कहेंगे सिर्फ और सिर्फ वेलकम। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा तरीका है पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे शो में। क्या करेंगे आप? सर्च करेंगे आप ZU FM 98.1 फेसबुक एंड सैयदा फरहाना अली ऑन फेसबुक एज वेल, दोनों पेजेस को जाकर जल्दी से लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और आपको मेरे पेज पर मिल जाएगी लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग, जिसे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर सुन सकते हैं। गो की दुनिया गोल है। अगर तो आप शहर से बाहर हैं, सुबह से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, बहुत इजीली आप हमारा शो सुन सकते हैं ऑन फेसबुक ऑन माय ट्यून रेडियो ऐप। और अगर आप चले जाएंगे जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर तो वहां पर भी आपको हमारे रेडियो का लिंक मिल जाएगा। तो साथ परेशान नहीं होना, वो क्या कहते हैं कि जब हम हैं तो फिर क्या गम है, ठीक हो गया ना। तो फेसबुक के बाद आप चले जाएंगे इंस्टाग्राम पर, सर्च करेंगे @RJFarhanaOfficial, वहां पर मेरा अकाउंट आपको नजर आएगा। उस अकाउंट को भी अगर आपने जल्दी से फॉलो करना है ताकि आपकी जिंदगी बाहर निखार सवार सब कुछ आ जाए, मजीद आगे जाएंगे आपको नजर आएगा। ट्विटर सर्च करेंगे @SayyedaFarhanaAli, यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे @SayyedaFarhanaAli। अगर कोई शो हो गया डिलीट, मिल जाएगा यूट्यूब पे, टेंशन नॉट। तो भाई अगर तो आप शहर से बाहर हैं, सुबह से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपने आप में से बाहर नहीं होना, क्योंकि हमारे शो में आने के लिए आप में आना पड़ता है। आप में आइए, हमारे शो में आइए, वेलकम करेंगे आपको, ठीक हो गया, खैर हो गई। सो हाँ भाई कराची वालों, एंजॉय कर ली बारिश, आ गया मजा। तो आज मैं लेट भी इसी वजह से हो गई हूँ, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट के आई एम यू नो लेट टुडे। लेकिन वो क्या कहते हैं कि देर से आना बेहतर है कभी ना आने से, है ना। तो
कोई बात ही, थोड़ी देर हो गई मुझे, चौकी माजरत कर तो रही मैंने, और क्या चाहिए आप। ओके सो फिलहाल हम आपको सुनवाएंगे एक ट्रैक, ट्रैक की बात करेंगे आपसे, बातें आज स्टार्स को शामिल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बचेगा नहीं पर हमारे पास, राइट। लेट्स सी ये क्या होता है अगर टाइम हुआ गाने के बाद तो हम स्टार्स की बात करेंगे, वरना फिर आपको सिर्फ खबरें शबरें बताएंगे और फिर आपकी बातें करेंगे, अपनी बातें करेंगे, राइट। तो फिलहाल कौन सा गाना सुनवाए? अरे ये बड़ा मसला है यार, सज्जाद अली का सैड ट्रैक है, चले बारिश वाला लगाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सैड तो क्या हो गया, आप लोग कौन से जो नहीं नहीं हम तो सैड नहीं है, आई डोंट नो बट मतलब हम सैड नहीं, ऑफ कोर्स दिस इज कंफर्म, लेकिन यार गाना बहुत अच्छा है, चाहे सैड है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे सैड नहीं है, आप लोगों ने ज़्यादा फील नहीं करना, बस सही है जिन लोग लोग छोड़ के चले गए वो एक अलग बात है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, राइट। सो मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ मजाक की बात है। सो गाना बड़ा ही अमेजिंग ट्रैक है। बारिशों के मौसम में जब भी बादल आते हैं, बारिश होने लगती है, तुम याद आते हो, तुम याद बहुत आते हो, तुम याद आते हो, तुम याद बहुत आते हो, तुम याद आते हो, बारिशों के मौसम में जब भी बादल आते हैं, बारिश होने लगती है, तुम याद आते हो, तुम याद बहुत आते हो, तुम याद आते हो, तुम याद बहुत आते हो, तुम याद आते हो। ओके चलिए जी आप लोग एंजॉय करें इस ट्रैक को, फिर हम वापस आते हैं इसके बाद करेंगे आपके साथ आज की टॉपिक्स शेयर। सोच लूँ ना कि आज के टॉपिक्स क्या रखूँ, मौसम में इस गाने के दौरान हम सोचते हैं, भी आप एंजॉय करें, आते हैं स्टे ट्यून, बारिश होने लगती है, तुम याद आते हो, तुम याद बहुत आते हो, तुम याद आते हो, तुम याद बहुत आते हो, तुम याद आते हो, बारिशों के मौसम में जब भी बादल आते हैं, बारिश होने लगती है, तुम याद आते हो, तुम याद बहुत आते हो, तुम याद आते हो, तुम याद बहुत आते हो, तुम याद आते हो। बारिशों के मौसम में बारिशें तो होती हैं, दिल क्यों टूट जाते हैं, बारिशों के मौसम में दिल भी टूट जाते हैं, ओ बारिशों के मौसम में जब भी दिल धड़कता है, दर्द होने लगता है, जब याद आते हो, तुम याद बहुत आते हो, तुम याद आते हो, तुम याद बहुत आते हो, तुम याद आते हो, कतरा कतरा वो लम्हा, गीली गीली आंखों में भीगा भीगा रहता है, बारिशों के मौसम में मेरा तुमसे वो मिलना, जब भी याद आता है, तुम याद आते हो,
याद बहुत आते हो, तुम याद आते हो, तुम याद बहुत आते हो, तुम याद आते हो। आते हो तुम याद आते हो, तुम याद बहुत आते हो। बता देते हैं बारिश का मौसम है, मतलब अभी तो नहीं है धूप निकली हुई बाहर, तो अभी बारिश और बहुत ज्यादा होंगी। और अभी सिर्फ मेरे ख्याल से एक या डेढ़ घंटा बारिश हुई ना कल रात में, और कैसा मतलब क्या वाह 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 वा। मतलब इतना खूबसूरत हो गया ना कराची, ओ माई गॉड, आई एम जस्ट लविंग इट। अच्छा नहीं यार, क्या बारिश थी ना कल, ओ माई गॉड, आई जस्ट लव रेन। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी लव्स रेन। सज्जाद अली का ट्रैक ना फील हो रहा है, क्या करें आप, अपना जय अमरी बेगम से कहेंगे आपको पकौड़े बना के खिलाए। कराची वालों को तो ये सीख रहे, जहाँ बारिश चलाओ पकौड़े बनाओ, है ना, आलू के पराठे बनाओ, दाल के पराठे बनाओ। यार ये सही है, बारिश हो रही है, आलू के पराठों का या फिर जो है वो पकौड़ों का क्या कसूर है। वैसे खैर चले जी, मजा आता है। It is another thing to enjoy rain, you know. So I love to have tea at the time, or tea or coffee, whatever. Right? चले जी, आपको टॉपिक बताते हैं, बातें हम करते रहेंगे। सो भाई आपने बताना है, आपको जब भी बारिश होती है ना तो आपको क्या याद आता है। सज्जाद अली को तो उन्होंने बता दिया उनको क्या याद आता है, आपने बता रहे हैं कि आपको क्या याद आता है जब बारिश होती है तो, राइट। और साथ साथ तो हमारे जो दोस्त होते हैं ना, उनकी कुछ ना कुछ खसूसियात होती है, कुछ क्वालिटीज होती है। तो दोस्तों की क्या क्वालिटीज होती है बताया जरा, पता कैसे लगा वाकई में आपके दोस्त है। बहुत ही सिंपल मैंने सवाल किया है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, राइट। सो इसलिए जल्दी से बताना है, बोंगिया मारे आप लोग, बोंगिया आप लोग नहीं मारेंगे तो मेरे शो में मुझे मजा कैसे आएगा, राइट। उसकी आपको खुली इजाजत है, लेकिन बोंगिया मारनी है लेकिन लिमिट पे रह के, लिमिट से जो बाहर जाएगा शो से बाहर जाएगा, सीधी सी बात है। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है काशिफ अंसारी मेरे भाई। आज कह रहे बारिश के मौसम है ना, मुझे बस बर्गर पकौड़े फ्राइज और टिक्का, ये सब चीजें याद आती हैं। बहुत नदीदे हो तुम। और साथ साथ काशिफ अंसारी कहते हैं, सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। यार मुझे स्टार्स पढ़ने खबर पढ़नी थी, मैं कहां कॉमेंट्स में आ गई। अच्छा जी, और साथ साथ बजट, यार कितने बजट आएंगे, हद हो गई है, ये तो तीसरा बजट आ रहा है।
जावा कुछ भी। मेरे बारिशों का सिलसिला खत्म हो गया, लेकिन अब अगले चंद रोज तक जो है वो कोई बारिश नहीं होगी। ओ माय माय नहीं, हमारे कराची में तो होनी है ना बारिश, कहाँ पे लाहौर में, चल लाहौर में, लाहौर वालों चलो 15 दिन तक आराम करो। अब लाहौरियों आपको जो है ना वो गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी 15 रोज तक, राइट। पाकिस्तानी रुपए के कदर में बेहतरी आ चुकी है कई रोज बाद, थैंक गॉड। अल्लाह करे कि ऐसा कुछ हो कि डॉलर और पाकिस्तान की करेंसी में इतना ज्यादा जितना बड़ा फर्क आ गया है ना, वो फर्क जरा कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, ताकि हमारी इकोनॉमी जरा स्टेबल हो जाए। सही भाई, आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल महंगा होता है। फिर भी देखिए, अब हमारे पेट्रोल महंगा होता है या सस्ता हो जाता है, 50 पैसे तो सस्ता हो ही जाएगा मेरे ख्याल से। व्हाट डू थिंक, नहीं लगता आपको ऐसा? नहीं, आपको क्या लगता है? सही है, ठीक है, 235 चल रहा है अभी, 235 राइट, कोई बात नहीं, 50 पैसे कम कर लेंगे, 234 रुपए और 50 पैसे, ठीक है, इट्स ओके, इट्स लवली। अच्छा जी, जाइए, हम ऐसी बात नहीं कर रहे, हम तो ऐसे गहरे गहरे टॉन्ट्स मार रहे हैं ना, चले छोड़े, चैलेंज बात करते हैं, आपके स्टार्स की बात कर लेते हैं। आपके स्टार्स की टाइम है हमारे पास, बहुत सारा टाइम है। मैं इतने सारे कॉमेंट्स आप लोग शामिल करती हूँ, लेकिन आप लोग इतने कोई ना शुक्र है ना, कहते हैं कि आप जो है वो हमारे कॉमेंट्स ही नहीं पढ़ती है। खुदा का खौफ करो यार, कुछ तो खुदा का खौफ करो, कुछ भी नहीं, फौरन फराज के मुंह टेढ़े हो जाते हैं। मिल जावे मैनु बस तू, मिल मैनु मेरी जिंदगी, दिल और कुछ भी ना। काशी वाली वाली कह रहे हैं, वो भी तो गाना है कि रिमझिम ये बारिश का मौसम, रिमझिम कौन सा, ये कौन सा गा रहा है, रिमझिम ये या फिर बारिश का मौसम, ये बारिश का मौसम वो वाला है आतिफ असलम का, और कौन सा है, और कौन सा है, सैरिश कह रही आप ही सुबह सुबह रुलाओगी क्या, इसमें रोने वाली क्या बात है, बारिश का गाना है, एंजॉय करें, आप पॉजिटिव ले ले, आपको किसने कहा कि आप सैड हो, अगर आपके लोग आपके पास हैं तो आपने तो खुश होना है, परेशान नहीं होना, सैड नहीं होना, राइट, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं ना, आप किस चीज को किस एंगल से देखते हैं, ठीक है, पॉजिटिव देखेंगे तो नेगेटिव चीज भी पॉजिटिव नजर आएगी, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है। वो हो आप कुछ लोग सिगरेट भी दे, हम देख रहे हैं पॉजिटिव लग रही है हमें, तो चलो हम भी पीना शुरू करते हैं, ये नहीं करना बेटा। पॉजिटिविटी का गलत मतलब नहीं लेना, ना तो गलत इस्तेमाल करना है, राइट। चलिए, खैर कोई नहीं, हम चले जाते हैं, कौन सा हमारा जो BGM है विच आई लव द मोस्ट, और कहाँ है भाई वो गाना, अरे आ जाओ सामने। हाँ जी, ये रहा। आ गया भाई, आ गया, और अच्छा अभी, अच्छा इतना भी टाइम चाहिए अब आपको। ओके चलिए जी, आ गया, दिस इज राइडर। हाँ तो भाई, आपके स्टार्स की बात कर रहे थे, मैं कमेंट्स पे वापस चली गई हूँ, लेकिन हम वापस स्टार्ट पे जाएंगे, ठीक है, स्टार्स की बात करेंगे। एक क्वेरीज के लोगों के लिए, आज का दिन कैसा रहेगा? आज बहुत से अफराद अपनी जिंदगी को सहल बनाने में कई एक बुजुर्ग अफराद से बेहतर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा अपने कारोबार पर तवज्जो देकर आपको माली आसूदगी हासिल हो सकती है, सुकून मिल जाएगा। कुछ गैर मुतवक मामला रौनवा होने की वजह से आपको अपने तयशुदा शेड्यूल पर अमल करना मुमकिन ना हो सकेगा, और आपके कुछ रिश्तेदार किसी दूसरे शहर से आपको मिलने के लिए आ सकते हैं। खुश दिली से इस्तकबाल करें, उनका ख्याल रखें, और जबकि आपको हालात की वजह से अपने को सुलझाने का मौका भी मिल सकता है। वैसे एक बात है, अभी अचानक से मेरे जहन में आई कि कुछ लोग कहते हैं कि लाहौरी जो है ना बड़े कोई मेहमान नवाज होते हैं, और बाकी लोग भी होते होंगे, बाकी लोग आ जाएंगे अभी कि हम नहीं है क्या, तो लाहौरियों की बात मैं कर रही हूँ। एक मैंने सुना है, कुछ जो है वो हमारे जानने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि हम लाहौर गए थे किसी के घर, राइट, तो उन्होंने वापस स्टे किया, कहते हैं कि भाई वो जो है ना अपना बिस्तर भी दे देते हैं आपको, मतलब वो इतने जो है वो क्या कहते हैं, कुर्बानी का जज्बा उनके अंदर इतना ज्यादा होता है, मेहमान नवाजी का जज्बा इस कदर उनके अंदर कूट कूट भरा होता है कि वो अपना बिस्तर देने के लिए तैयार होते हैं कि हाँ भाई ये लो भाई आप हमारे बेड पे आप सो सकते हैं, हम जमीन पे सो जाएंगे, आप हमारे बेड पे सो जाएंगे। I love it when you look at me that way. Now we're in your order and mojito at the bar. We apply it because it came off on the glass. The DJ plays your favorite song, honey song. Now you're beckoning for me to dance. जी, सो बात करते हैं, आप पता नहीं मैं कहां से कहां निकल जाती हूँ, खैर। तो अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर ले भाई, और किसी भी काम की तैयारी के लिए तहरीक जरूरी होती है। इन्होंने इतनी 3 बार ही लिखा है भाई, उन्होंने इतना जोर दिया तैयारी में। चलें जी, 22 की बात करते हैं, 22 वालों
सो आज अपने माली और मुआशी मसाइल को निपटाने के मौके में ऐसा आ सकेंगे कि जिनसे फायदा उठाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अपने मामलात को निपटाने के लिए बहुत सी पुरानी बातें जहन से निकाल कर आप खुद को खुश और खुर्रम रख सकते हैं, लेकिन किसी किस्म के सफरी कागजात के लिए किसी माहिर फर्द से ही रابطہ करना जरूरी हो सकता है, जबकि सफर की वजह से आप में फिक्रमंदी के जज्बात मामूल से ज्यादा हो सकते हैं। आज आपकी मुलाकात अपने पुराने दोस्तों से हो सकती है जो आपके साथ ज़ेर तालीम रहे होंगे, तो उसके साथ आपका अच्छा वक्त गुजर जाएगा। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया, इनको सब पता है। बात करते हैं एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो आज आपको अपने कारोबारी और पेशा वाराना मामला में बहुत सी कामयाबियां समझने के मौके में नजर आ जाएंगे। आपको अपने घरेलू मसाइल को निपटाने और जाती सोचों को बरुए कार लाने के लिए भी तैयार रहना होगा। उन अमूर के बारे में आपके अहले खाना और उनके मशवरे आपके लिए मददगार साबित हो सकेंगे। आपको अपने कारोबार से ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करके जज्बाती बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना आपका अपना पैसा भी आप तक नहीं पहुंच पाएगा। राइट, हाँ। तो एरीज वाला अंबर, ये क्या चल रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा अंबर कौन से कारोबार। पिज्जा तो तुमने खिलाया नहीं हमें आज तक, है ना तो मिनी पिज्जा ना तो लार्ज पिज्जा, अंबर पिज्जा फ्राइज। तो चलें जी, बात करते हैं टॉरस की। टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत भरे ताल्लुकात बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेंगे, जबकि दूसरों से मुताल्लिका मामलात के बारे में अपने आप को परेशान ना करें भाई। इसके अलावा अपनी ज़ाती जिंदगी से मुताल्लिका अमूर को इस इंतहा तक ना लेकर जाएं कि कुछ करना आपके लिए दुश्वार तरीन अमर बन जाए। अपने बारे में दूसरों के सवालात का तसल्ली बख्श जवाब देकर अपनी इज्जत में आप इजाफा कर सकते हैं। बहुत से मसाइल और मामलात को एक ही वक्त में एक साथ निपटाने में आपको कामयाबी ना मिलेगी, जिससे आपकी घरेलू मुश्किलात इकट्ठी हो सकती हैं। अगर आप पुरअज़्म रहे और अपने हकीकी ख्यालात को बरोए कार ला सके, तो यकीनी तौर पर आप कामयाब हो जाएंगे। तो बात करेंगे जेमिनी की। जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो जेमिनी वालों, आज अपने मामलात को हल करने के लिए अपनी वजदानी सलाहियत से भरपूर इस्तेफादा कर सकेंगे। इसके अलावा अपने दोस्तों और साथ काम करने वाले अफराद की मदद और अमली कोशिशों से भी कामयाबी की राह अपना सकेंगे। आज आपके असीज वकारा या फिर दोस्त अहबाब आपके यहाँ आ सकते हैं, और किसी तकरीब में शमूलियत की दावत भी आपको मिल सकती है। ठीक हो गया, चैलेंज कमेंट्स को शामिल कर दिया, बहुत बढ़िया स्टार्ट। फराज कह रहे 50 पैसे आ रही है, बहुत ज्यादा हो गया। ओके, रुजा कह रही है कि आ भी जाना है मेरा राजपूत भाई, सलाम कह रहे थे, वालेकुम अस्सलाम कह रहे, और कह रहे थे कि कहो एक दिन सॉन्ग सज्जाद अली का सुना नहीं है, उनका मैसेज है मेरा नहीं। कहो एक दिन अहमद जानसेब का ट्रैक है, नॉट सज्जाद अली। ओके अच्छा जी, मैं ना लगा देती हूँ, आप लोग मुझे कहो एक दिन, भाई कॉपीराइट तो नहीं आता अभी, बताओ भाई अगर मेरी स्ट्रीमिंग चली गई तो फिर भाई ये नहीं, हम कहो एक दिन, चले मैं ट्राई करती हूँ, लेट्स सी, अगर भाई रिस्क तो हम लेते ही रहते हैं, ये कौन सी नई बात है। हमने जिंदगी में बहुत रिस्क लिए। चले जी यहाँ से प्ले करते हैं और लेट्स सी, क्योंकि ये जो है यहाँ पे अगर कॉपीराइट आया तो फिर क्या कर लेंगे, हम भी कुछ कर ही नहीं पाएंगे, स्ट्रीमिंग ब्रेक हो जाएगी और क्या होगा। तुम्हारे कहो एक दिन, तुम्हारे कहो एक दिन, के जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कौन है भाई ये मटेरियलिस्टिक। जो सब कुछ तुम्हारे हमारे हैं, ये क्या बात है भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है। उसे कह रही है एक आतिफ असलम को सारे गाने इंडिया में ही गाने थे क्या यार, मतलब क्या गाने गाए यार आतिफ असलम, लिटरली लाइक सीरियसली। अंबर असलम कह रही है अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, बारिश हुई कल, वालेकुम अस्सलाम, हाँ जी। अच्छा यार एक बात है, वैसे बारिश होती है तो लोग लिखते हैं इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग, और बारिश हो रही है बारिश हो रही है, मतलब हमें भी पता चल रहा है भाई बारिश हो रही है बारिश। लोग स्टेटस क्यों लगाते हैं कि बारिश हो रही है, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बारिश हो रही है बारिश हो रही है यार, ठीक है बारिश हो रही है। जाओ पकौड़े बनाओ, बारिश हो रही है तो। अच्छा जी फराज कह रहे हैं बारिश के मौसम में नहाना चाहिए, सबको बता दो, वाह 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 क्या इन्फॉर्मेटिव बात बताई फराज मेरे भाई। रुसा कह रही है अब होंगे कमेंट स्क्रॉल, अरे पढ़ी हूँ मैं रुसा मेरी जान पढ़ी हूँ। मोहम्मद इरफान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, वालेकुम अस्सलाम। जो कह रही फरहाना अभी आज ना मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि ना मेरी बिल्ली को अरे वाह कह रही 3 बेबीज दिए उन्होंने, बताया नाम में क्या रखूं।
नाम बताऊंगा, रखोगी मेरा नाम अगर मैंने बताया तो? नहीं बताओ, अगर मेरा नाम बताया तो रखोगी? अगर रखोगी तो बताओ। काशी वाली मैंने कह रहे रिमझिम ये सावन बरसातों का मौसम लाया है, कि कौन सा गाना है, कौन से जमाने का गाना है। मुंबई इस्लाम कह रही माशाल्लाह, अरे वाह क्या बात है, बट किस बात पे कह रही हूँ माशाल्लाह मुझे तो समझ नहीं आया। फराज कह रहे हैं कि बारिश कभी आप यूके या लंदन में देखें, इतने साफ रोड हैं और घर वाओ। चले मैं कभी जाऊंगी अगर लंदन यूके घूमने के लिए, ऑफकोर्स आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू लिव देयर। उस मौसम में तो बस मैं जो वहाँ पे मौसम होता है ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ मौसम इतना शदीद। मतलब हम जो ना, वो सही बात है यार, बहुत नाशुक्र हैं हम। तो वहाँ पर है एक हमारी बहन, कह लें उनको बड़ी बहनों की तरह ही हैं वो, शी इज अ वंडरफुल ह्यूमन। तो वो बताती कहती है मैं ना ख्वाहिश करती थी कि भाई मैं ना कराची से ना ऐसी जगह पे, इतनी गर्मी होती है कराची में, मुझे ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पर सिर्फ ठंड ही ठंड हो, और अब वहाँ पर धूप को तरसती है वो। यार काश आज धूप निकल जाए, बनाना दुआ करो कि आज धूप निकल जाए। तो ये वाला सीन है वहाँ पर जो है, वो साल मतलब पूरा साल ऐसे ही क्लाउडी मौसम नहीं होता है, और फिर सर्दी बहुत ज्यादा होती है, जो सर्दी होती है तो ओ माय गॉड। अब फिर कह रहे हैं मैडम हमारी बारिश तो बोर ऑफिस पर स्टार्ट हुई, फिर क्या था बेगम साथ और सर्दी भी लग रही थी, सो ग्रीन बस में बेगम को रवाना किया, और क्योंकि एक और वाइफ हैं, एक और वाइफ साथ थी, किसकी एक और वाइफ थी। अभी तो मेरी क्या चल रहा है, अमर कह रही है कि ये जून है आई नो, बट अगर भीगा भीगा सा दिसंबर होता, क्या लिखा था। पर आज कह रहे मुझे ना बारिश के मौसम में कार्टून देखने का बहुत दिल करता है, जैसे स्टोरी वाले कार्टून द लायन किंग। यार ये कौन है, यार ये कौन लोग है यार। अच्छा जी, काजू वाली वाली कहते हैं आपके टॉपिक पर जवाब है कि हमें उनकी बात याद आती है, जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। अच्छा सर, जासन मलिक अंकल आ गए, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मेरी शहजादी बेटी, तो माशाल्लाह एक बेहतरीन मुस्कुराहट की मलिक आया, प्यारी बेटी को के लिए कहूंगा कि क्या कह रहे थे। चले बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम अंकल, दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया, आप कैसे हैं, हफ्ते में ठीक है आपकी। और साथ साथ फराज कह रहे हैं ये बारिश थोड़ी थी पानी था, आप लोग भी ना। अच्छा मुझे कह रही बारिश के भागने के लिए स्टेटस लगाते हैं। अमर कह मैंने ना एक स्टेटस नहीं लगाया, शुक्र है लगा। अच्छा तो इसमें अल्लाह का शुक्र क्या है, ठीक है अगर लगा भी देती तो क्या फर्क पड़ता। अमर मैं तो वैसे ही कह रही हूँ, आप भी कह रहे हैं कि आपने आदिब की बात की ना, इन दिनों आदिब की वीडियो वायरल हो रही यार, हाय क्या बंदा है यार। सैयद जुनेशा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम मुल्तान, वालेकुम अस्सलाम फ्रॉम कराची। और साथ साथ हाँ यार पता है क्या, देखिए आप ना कितने भी उरूज पे चले जाए ना, अगर आप आजिज हैं ना तो अल्लाह ताला को मजीद उरूज अता फरमाता है, राइट। तो ये जो तकब्बुर अकब्बर होता है ना, ये जो मैं होती है, जो ईगो होता है, ये बर्बाद ही करता है इंसान को, सही बता रही हूँ। तुम्हारे हैं सो जितना आप ऊपर उरूज की तरफ जाएंगे उतने ही आप झुकते चले जाएं, बस फिर आप देखें। ये जो कुछ मुझ कह रही है कि मुझे ना बारिश में सब बोंगी बाज बहुत याद आते हैं। राना शफीक हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, वेरी वेल थैंक यू। और साथ साथ सैयद जुनेश कहते हैं अमेजिंग स्टाइल, बेटा कुछ तो ना लाओ मेरे भाई। जो कह रही है आपने ये तीन नाम सोचे हैं, ये बॉयज हैं उसका शेरू, और जो तो गर्ल्स हैं एस हैं उनके शीली और फ्रूटी चौको है, और आप बताओ ना, आप ही कोको रख दो नाम, कोको। जो फीमेल है ना उसका नाम रख दो कोको, है ना सही है ना, ये अच्छा नाम कोको रखो, बता देना अगर तुम रखा हो तो, एवं मजाया नहीं करवा देना। बता रही हूँ सैयद जी ने कहते हैं क्यूट स्माइल, बहुत शुक्र, थैंक यू सो मच भाई, ओके। और साथ साथ कहते हैं लाजवाब अंदाज, अब्दुल गफ्फार कहते हैं फ्रॉम खैरपुर मीर से आपका शो नाइस है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पर आज कह रहे हैं जब जाओ ना लंदन तो मेरा भी वीजा लगवा देना, बस ये देखो वो शहर बसा नहीं है, लुटेरे पहले आ गए। तो बिना कह रही कल बारिश एंजॉय किया आपने, हाँ मैंने एंजॉय की देख कर बस, क्योंकि टाइम वो ऐसा था मगरिब का टाइम था, मगरिब होने वाली थी, तो ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट द राइट टाइम टू यू नो एंजॉय रेन, तो मैंने बस देख कर एंजॉय किया। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स रात में जब मैं वॉक करने जाती हूँ ऊपर, तो फिर उसके बाद क्या मौसम था, ओ माय गॉड क्या ही मौसम था, ठंडी ठंडी हवा, अमेजिंग। स्पेशल के बाद ऑफ कोर्स मैं वॉक करने जब जाती हूँ अपनी बहन के साथ, हम लोग चले जाते हैं रूफ टॉप पर रोजाना डेली, तो इतना कोई अमेजिंग मौसम होता है ना उस टाइम पर। कराची की शाम तो वैसे ठंडी होती है, मशहूर है,
हेलो गए ऐसे कराची की तारीफ है, कराची की तारीफ की जा रही है। अच्छा नोमी कह रहे हैं प्लीज प्लीज रीड माय कमेंट। अरे पढ़ लिया मेरे भाई। अमर कह रहे हैं भीगा भीगा सा दिसंबर लगा देना मैडम, अगर कॉपीराइट ना आए तो। जून के मौसम में दिसंबर क्यों लगवा रही हो अंबर, वो भी भीगा भीगा। अभी तो तुम कह रही थी कि तुम सैड ट्रैक से आजकल परहेज कर रही हो, अवॉइड कर रही हो। नाउ व्हाट इज दिस अंबर। शाम कहते हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, और साथ साथ एहतशाम कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। सबको एहतशाम का प्यारा सा सलाम वालेकुम अस्सलाम। मलिक फैजान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सब बखैर वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। एंड साथ साथ जो है कह रही है जी आप ही रखूंगी ना ये, कहीं क्यों नहीं रखूंगी आपका नाम रखूंगी। अब मैं आपने जो है मेरा नाम मत रख देना इस बिल्ली का। यार बिल्ली के चिकते क्यूट होते ना। हाय इनाम चित्राली बहुत शुक्रिया। और अब्दुल गफ्फार कहते हैं कि नाइस शो बहुत शुक्रिया। साथ साथ रुबीना वालेकुम अस्सलाम गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है आपने बताना भी बारिश में को क्या याद आता है। साथ साथ दोस्तों की खसूसियात बतानी आपने। आदि मेरे कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, बरसात में जब बाइक गिरती है ना तो आवाज आती है ओई, बिल्कुल ऐसी आरजे। ये क्या बात हुई भाई, ये क्या बात है। ये तो कोई बात नहीं। आसिफ काशिफ कह रहे हैं, काशिफ अली मलिक कह रहे हैं कि आपके पास जो है यूट्यूब है, लेकर सर्फ करके देख लो, सर्फ करके देख लो, सर्च करके देख लो कि सर्फ करके देख लो। कामना शाह कहते हैं कुछ ऐसा ही दिन थे जब हम मिले थे, चमन नहीं भूल के दिल के खिले थे। हैं अच्छा ठीक है, पता नहीं मुझे नहीं पता भाई कहाँ खोए हुए। इजाज़ मुल्तानी वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ मोहम्मद रिजवान वालेकुम अस्सलाम, टाइम चेक भी आ रहा है। और साथ साथ फराज कहते हैं अरे कोको नहीं रखना, जो जो रख लो। क्यों भाई ऐसे बिलो बजे। साथ साथ आयशा कासिम आ गई हैं, क्या कह रही हैं आयशा। अंबर कह रही हैं आई एम चेंजिंग माय माइंड। क्यों भाई, व्हाई आर यू चेंजिंग योर माइंड अंबर, मतलब क्यों, मतलब अचानक से ऐसे क्यों, क्यों भाई क्यों। रुबीना समीना कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, अभी हम दोनों आपका शो सुनते हैं। वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया। लड़की ने नाम तो रखे हो ना, तो डीबी भी ना एक ही लड़की की मिला के लगाई हुई रुबीना समीना। धर्मीना मतलब सलाम अभी गुड मॉर्निंग, कैसे आप। वालेकुम अस्सलाम वेरी वेल थैंक यू। और साथ साथ अभी कह रहे हैं मैडम रोज ही हारून अंकल सलाम दुआ देते हैं, और मैं ना रोज ही कहता है और कहते हैं कि जब प्ले होता है ना कि पहाड़ों की कसम तो अंकल दीवाना वार झूमते हैं, मुझे भी समझ नहीं आया कि कैसे बॉस। अरे वालेकुम अस्सलाम हारून अंकल, कैसे हैं आप, ठीक हैं आप, खैरियत से हैं। चलें भाई बहुत कह दिया कहो एक दिन, और अब आते हैं हम अपने फेवरेट ट्रैक पर। यार मैं आजकल ना आप लोगों को मैं पका दूंगी ये सॉन्ग सुना सुना के। आजकल ना मुझे ये वाला ट्रैक भी बहुत अच्छा लगा है। सो दिस इज दिल झूम बाय अली जफर। झूम नॉट दिल झूम। सो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि बेशक अल्लाह ने सजदे में बेचैन दिलों के शिफा रखी, जो बात है जो बात है जो बात है जो बात है। अच्छा जी मश कह रही है आप ही आज ना मैं कॉल करूंगी और सब बारिश हैं वॉइस पे गुस्सा निकालूंगी, बहुत गुस्सा आ रहा है कल का। क्यों भाई जी। अब्दुल गफ्फार कहते हैं अभी योर वॉइस इज सो स्वीट। ओके चलें जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो अल्लाह ताला का कमाल है, उसने अता किया आवाज तो फिर कमाल उस जात का है, जो देता कमाल ही देता है। कमाल को कमाल देता है वो एक अलग बात है, लेकिन हमें आवाज कमाल दी है तो बस अल्लाह ताला का कमाल है। और जितना शुक्र अदा करें कम है। अच्छा जी और चले जी। यार कल मैंने यही किया था, पहले खैर कोई नहीं। काजी वाले वाले कहते हैं कल जैसे ही बारिश शुरू हुई ना वो लोग बाहर निकल आए जो सिर्फ बारिश में नहाते हैं। अभी कह रहे बच्चों सुरूर दे प्ले करना, राहत राहत का हाँ आतिफ का, आतिफ के नाम होशियारियां चेक करें इनकी, इनकी होशियारियां चेक करेंगे। आतिफ के नाम ये प्ले करवाएंगे, मैं प्ले कर दूंगी। मैं फिर भी नहीं करूंगी। आयशा का तो कहती हूँ गुड मॉर्निंग आप जान, अरे मैं तो चेक करती हूँ कौन सा गाना है ये सुरूर दे जिसके पीछे आप पड़े हुए इतने दिनों से। लेट मी चेक। अच्छा जी ये गाना है कौन सा, मैंने नहीं सुना ये गाना।
हैरत की बात है कि मैंने गाना नहीं सुना, ये कौन सा गाना है? अच्छा जी, हिमेश का गाना हो गया तेरा 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 जरूर। ओके ओके, लेट मी चेक, ये कौन सा गाना है भाई? सुरूर दे भाई। नहीं भाई, हम नहीं प्ले करेंगे इसको, हमारी स्ट्रीमिंग ब्रेक हो जाएगी, सीधी सी बात है तो पाकिस्तानी गाना वैसे। मैं चेक करती हूँ, अगर मुझे एनसीएस मिल गया तो फिर मैं उसको प्ले कर दूंगी, राइट। सो ये वाला सीन जरा यहाँ पर है, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता भाई बार बार हम लाइव थोड़ी ना आते रहेंगे। और इसके हाँ, अरे नहीं मिल रहा भाई, हमें नहीं मिल रहा, मुझे तो अखियां मिल गया है राहत का। अखियां प्ले करें करने वालों में, जुनून में जियालों में, इश्क के मलालों में जिंदा मिसाल। चलें जी, हम ना अखियां सुनते हैं, अली जफर का गाना हम सुनेंगे साथ साथ इसके बाद, लेकिन हम अखियां अखियों पे आ जाते हैं। चलो भाई चलो, क्या गाना है, क्या गाना है। चलिए ये गाना आप लोग पूरा सुने, राइट, क्योंकि 10 बज चुके हैं, कॉल्स का टाइम हो गया है, सो आगे बातें भी करेंगे। अच्छा जी, आयशा कासिम कहती है अभी जान मुझे तो कल बारिश में चिप्स याद आ गए, हाँ हाँ चलो सही हो गया। अच्छा जी, एमआईयू बलोच कहते हैं ग्रेट यू सिस्टर, आई एम नॉट ग्रेट, ग्रेट तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, हम तो ना चीज से इंसान है। मैं तेरे ना ए मेरी जान, तेरे ना करके मर जा, तनु थकिया ते डुल गईया, अखियां अखियां सारी दुनिया नु भूल गईया, अखियां अखियां तनु थकिया ते डुल गईया, अखियां अखियां सारी दुनिया नु भूल गईया। चले जी आबिद अमीर, दिस इज फॉर यू मेरे भाई, ठीक है ना, आप ये वाला गाना इस पे गुजारा कर ले यार। रात का दोबारा तो आपकी तरफ से भाभी के लिए, चाहिए आबिद अमीर खुश हो जाए, आज आपने ना रेवड़ियां बांटनी। जितने कंजूस आप है ना, तो हम रेवड़ियां ही बंटवा सकते हैं आपसे। चले जी, वापस आते इसके बाद, कहता हूं आपसे बात है, आपने कहीं नहीं जाना चाहता, वापस आने के बाद कॉल को शामिल करेंगे, आज सब कॉल कर सकते हैं, नए नए वेले हो, पुराने हो, जितने भी पुराने हो, चाहे 1947 के हो, चाहे 1945 के हो, व्हाटएवर, मेरी अखियां च, दैट डजंट मैटर, सजना वे मेरे दिल विच वस दे आ, सजना ए मेरी जान, मैं तेरे ना ए मेरी जान, तेरे ना करके मर जा, तनु थकिया ते डुल गईया। सो जाएंगे कहीं नहीं, जाएंगे तो बस जाएंगे, कितनी सी बात है, मतलब कितनी बार समझाएंगे, स्टे ट्यून्ड। डुल गईया अखियां अखियां सारी दुनिया नु भूल गईया, अखियां अखियां कियारे कियारे खुद इश्क खुदा ने, कियारे कियारे खुद इश्क खुदा ने, कियारे कियारे खुद इश्क खुदा ने, कियारे कियारे खुद इश्क खुदा ने। खो गई भूल गया जग सारा, इश्क च खो गई, इक जिद करे अंबरा च उड जान नू, इक जिद करे इश्क च डूब जान नू, ए मेरा दम ए किस कम, ए मेरा दम किस कम, तेरे बाजू में सनम असी कठे जीना, असी कठे मरना मरना, इक दूजे बिना साडा नहीं हो सरना सरना, असी कठे असी कठे मरना मरना, एक दूजे बिना साडा नहीं हो सरना सरना, कियारे कियारे खुद इश्क खुदा ने, कियारे कियारे खुद इश्क खुदा ने, कियारे कियारे खुद इश्क खुदा ने, कियारे कियारे खुद इश्क खुदा ने। पानी बिना मछली दा हुंदा जिवें हा,
ਮਹਿਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਾਕੇ ਲੈ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਵੇ ਸਹਿਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੈ ਜਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਵੇ ਪੀਲਾ ਪੀਲਾ ਕਰ ਜਦ ਆਇਆ ਤਨਹਾਈਆਂ ਨੇ ਗਨ ਕੱਟ ਲਈਏ ਸਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁਦਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਰਹਿ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਚੈ ਇਹ ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਹੀ ਚੈ ਰੁਕਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਸਾਡੀ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਸਾਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਹੁਣ ਰੁਕਦੀ ਰੁਕਦੀ ਹੋ ਗਈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਗ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ਕ ਚ ਖੋ ਗਈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਗ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ਕ ਚ ਖੋ ਗਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰੇ ਅੰਬਰਾਂ ਚ ਉੱਡ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰੇ ਇਸ਼ਕ ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਮ ਇਹ ਕਿਸ ਦਮ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਮ ਕਿਸ ਦਮ ਤੇਰੇ ਬਾਜੂ ਸਨਮ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜੀਣਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਰਨਾ ਮਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਨਾ ਸਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜੀਣਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਰਨਾ ਮਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਨਾ ਸਰਨਾ ਕੀ ਯਾਰ ਖੁਦ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਯਾਰ ਖੁਦ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਡੀਕ ਲੈ ਜਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਵੇ ਪੀਲਾ ਪੀਲਾ ਕਰ ਜਦ ਆਇਆ ਤਨਹਾਈਆਂ ਨੇ ਗਨ ਕੱਟ ਲਈਏ ਸਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁਦਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਰਹਿ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਚੈ ਇਹ ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਹੀ ਚੈ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਸੁਦਣ ਸਾਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਹੁਣ ਰੁਕਦੀ ਰੁਕਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਸਾਡੀ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਸਾਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਹੁਣ ਰੁਕਦੀ ਰੁਕਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਸਾਡੀ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਕੀ ਯਾਰ ਕੀ ਯਾਰ ਖੁਦ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾ ਨੇ 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 बहुत प्रैंक करते हैं इसलिए मैं पीटी सेल को मैंने कहा मम्मी मुंह नहीं लगाएगी तुम्हें चलो हमारे साथ नखरे तमाम लोग कर सकते हैं कॉल और टॉपिक में बता दूं टॉपिक सुनकर आएगा ये मत कहिएगा आकर के भाई हमने टॉपिक मिस है अभी 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 ट्यून किया था ये आपको ना नंबर मिलाकर हम कॉल कर रहे थे इसलिए हमने सुना ही नहीं पता ही नहीं चला कि क्या टॉपिक था डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट विद मी चलिए मैं बता दी टॉपिक नहीं मैं आप लोगों को टॉपिक बता देती हूँ ऐसी नहीं हूँ मैं आप लोग जब आते कॉल में तो बताती जरूर हूँ टॉपिक ये भाई आपने बताना है बारिश के दिनों में जब भी बारिश होती है बारिश का मौसम होता है तो आपको क्या याद आता है और साथ साथ आपने बताएंगे कि दोस्तों की खुसूसियात क्या होती हैं लेट्स सी कि कौन है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है रमजान मलिक साहब कैसे हैं आप ठीक हैं आप खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ खैरियत से हूँ खुश आमदेद आपको बहुत
अरे नहीं बात तो एक ही ना, आप देखें बड़े हैं तो हम कह दें तो अच्छी बात है ना ज्यादा। तमाम खूबसूरतों को सलाम पहुँचे। वालेकुम अस्सलाम। ये खुदा रहे हैं खुदा की इसकी मिसाल दे दी, हमने इसकी शुरुआत करते हैं ना। हाँ जी कमाल हमारे शोरा कराम है कि हमारे भी 24 दिन इश्क खत्म हो जाते हैं ना। अब निकाह में कहते हैं शादी सुन्नत नबी है ना। जी 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 मिलता जब हम कहते हैं आप सुनो सुनो मैं आता हूँ बूंदा है रोटियां भी पकाई है झाड़ू भी जाती है भूल रहे हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे ही है। चार शादियों की बात आती तो सुनना थे लेकिन हाँ हर चीज में सुन जहाँ अपने मतलब कि अपने मफाद है ना जहाँ पे वहाँ पे सुन्नत सब याद रहती है। तो जब हम काम करने के टाइम आता है हाँ तो बिल्कुल ये खतून का काम है घर में झाड़ू देना मर्द थोड़ी देते हैं घर में झाड़ू बर्तन एक साइड में ये मर्द थोड़ी काम करते हैं। तो मैडम ये वैसे इस गीत से याद है बात। जी 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 बिल्कुल। दूसरा बारिश के मौसम में जो आप सुना रहे हैं तो यकीन कीजिए कि बारिश के मौसम को अल्लाह की रहमत ही याद आती है ना जी कि हमारी दुनिया में खुश होगी। तो चोलिस्तान में जाकर पूछिए चोलिस्तान में बकायदे तौर पे टैंकर दूसरे सूबों से टैंकर भेजे गए थे जानवरों को बचाने। जी 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 बिल्कुल 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 ऐसे ही सही फरमा रहे हैं। वहाँ अगर बारिश आती है तो अल्लाह की रहमत ही याद आती है ना बेशक। तो दूसरा बड़ा अहम सवाल है आपका जी कि आपने अगर अपने दोस्त की खसूसियत जाननी है ना जी आपको भी दोस्त है उसकी आपने खसूसियत जाननी है जी तो आप मुझे प्यार कीजिए कि रमजान भी आपने मेरे दोस्त को कॉल करनी है और मुझे लेना है कॉन्फ्रेंस पे सही और मेरी कोई आपने जो गिला करना है या मेरी कोई मनफी चीज उसके सामने वैसे रख देनी है ना हाँ। तो बस फिर आपको अपनी आपके दोस्त की खसूसियत का पता चलना शुरू हो जाएगा। कितने पानी में अगर वो दोस्त आज की गैर थी तो उसको तो पता नहीं है कि आप साथ है ना एग्जैक्टली और अगर उसकी गैर आपकी गैर मौजूदगी में उसके लिए आप गैर मौजूद हैं तो उस गैर मौजूदगी में वो दोस्त आपकी तारीफ कर रहा है मेरे सामने आपकी गैर मौजूदगी में तारीफ कर रहा है चाहे वो खामी आप में मौजूद है सही वो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड वो है बिल्कुल और फिर उसकी आप खसूसियत नहीं देखिए वो दोस्त है आपका बिल्कुल बस उसकी आप खसूसियत नहीं देखिए वो दोस्त है आपका सही हो गया। जाते जाते एक लतीफा मेरी बहन जी 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 प्लीज किसी ने किसी को कर्ज दिया और वो चक्कर लगा लगा के थक गया ना वापसी लेने के लिए सही तो एक दिन दिया दूसरे का भाई मुझे पैसे जरूरत है मुझे लाजमी पैसे चाहिए ना तो सोच लगे भी आप कर्ज देने का मैंने बंदोबस्त कर दिया है तो बड़ा खुश हुआ उसने कहा अच्छा कैसे कर्ज इंतजाम कर रहे उसने कहा मैंने नहर के किनारे जो सड़क गुजरती है ना उस नहर के किनारे मैंने बेरी का दरख्त काट कर दिया कपास की ट्रालियां गुजरेंगी कपास की ट्रालियां गुजरेंगी ना तो इन कांटों में कपास फंसेगी अच्छा वो कपास में चुनूंगा अच्छा करूंगा फिर बेच कर आपको पैसे दूंगा तो जो पैसे लेने वाला था ना बेसाख का हाथ पड़ा ना जो लेने वाला था वो बेसाख का हाथ पड़ा तो कहते हैं आप हंसे हंसे आपको करोड़ों में मजबूर हो रहा आपकी हंसी हंसी तो निकलेगी ओके बहुत शुक्रिया आपके लिए बहुत सही ध्यान ख्याल रखिएगा अल्लाह ताला को बहुत खुश रखे ओके Girl, you got my heart. Girl,
यार ये एसी का रिमोट कहाँ चला गया, मुझे ऐसी हवाएं आ रही हैं एसी में से, मुझे लग रहा है कि माइक में शायद आप लोग भी आ रही होगी। दूसरा एसी ऑन करके इसको बंद करना पड़ेगा। चले जी हम ये करते हैं, 10 सेकंड की बात है। मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में, बेजर ख्यालों में, हुस्न के हवालों में, सोनी के बालों में, मोरनी की छालों में, मट्टी के पालों में, पीतल हाजी जितनी तो मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी, ओके चलें जी कॉलर को शामिल करते हैं। कॉल ड्रॉप हो चुकी है, लेट्स सी के हु हैव विद अस ऑन कॉल एंड अस्सलामु अलैकुम। हेलो हेलो हेलो, अरे कौन है भाई? चले जी देखते हैं कौन है नेक्स्ट कॉलर एंड अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अरे मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही है, क्या हो गया भाई, कॉल ड्रॉप क्यों हो रही है भाई? अच्छा तनवीर अहमद कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, मैं कमेंट को शामिल करती हूँ, कॉल हमने उठा रहे भाई सीधी। मैं नहीं अभी शामिल करती हूँ, मजाक कर रही हूँ। अच्छा तनवीर अहमद बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग कहते हैं। मनाजिर कहते हैं कि मेरे मैसेजेस पर भी मैम नजर डालते हैं। अरे नजर डाली मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। कतर से आप हमें सुनते हैं, थैंक यू सो मच बेटी बनेंगे। और साथ ही साथ मेहर तारिक कलासरा, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लैया से सुनते हैं, कहते हैं नाइस शो, बहुत शुक्रिया, जजाकला। तनवीर अहमद कहते हैं राहत फतेह अली खान का सॉन्ग जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत शुक्रिया। आतिफ राजा कहते हैं गुड मॉर्निंग अभी, सो नाइस शो, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शहजाद रक्षानी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आई एम शहजाद फ्रॉम मार्च बलोचिस्तान। अच्छा बलोचिस्तान से सुनते हैं, क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया, वाह वाह। लेट्स सी कि कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी वजह से सबकी कॉल ड्रॉप हो रही थी, मुझे लग रहा है। इससे पहले भी मेरा कॉल सचिन सुकुंद आपने अटेंड किया था। अच्छा, आपकी आवाज एकदम गायब हो गया है, मुझे लग रहा है ना आपकी वजह से सबकी कॉल ड्रॉप हुई है आज। आज बस कुछ आपको तो पता है, बारिश हुआ आप लोगों की कराची में। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें नहीं पता होगा तो किसको बताओगे। मुझे तो पता नहीं था। अच्छा कैसे हैं आप, ठीक हैं आप, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रात को मैंने आरजे आसमा और आसमा ने पोस्ट किया था कि बारिश हो गई। अच्छा तुझे ड्राइव कर रहा था। अच्छा ड्राइविंग कर रहा, तुमने बोला की बारिश है, मैंने बोला ये लोग कराची के रहमत बरस रही है। हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह ताला की रहमत बरसी है और हमारा दिल बाग बाग हो गया। क्या हम लोगों की क्या बात है सर, जिले से लेकर अभी तक मिट्टी यहाँ पे चल रहा है कोई टाइम। अच्छा अभी तक मिट्टी वहाँ पे, हम उधार देते बारिश, अल्लाह माफ करे तवा उनको उधार देंगे। नहीं हम दुआ करते हैं भाई, अल्लाह ताला भाई बलोचिस्तान में बारिश कर दे, कोयटा में वैसे ही हम कहते हैं कराची में कोयटा की हवाएं चल रही हैं, अब चले बारिश वारिश हो जाए इंशाल्लाह। सही है बिल्कुल। सुनो जी जी सुनाइए। मंडे के दिन में शायद वो बारिश हो जाए, वो भी 9% चांस है। अच्छा 9% चांस है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बस ये जो है सर अल्लाह पाक की देखो सर, अभी ये अल्लाह पाक की निजाम देखो किस तरह चेंज हो गया था। जुलाई के महीने में देखो सर बर्फबारी हुआ है अफगानिस्तान में। हाँ भाई जुलाई का मौसम अभी जून चल रहा है, क्या हो गया? हकीकत है सर, बस लो जिधर बारिश हुआ वो बहुत सैलाब आया हुआ है, और जिधर बारिश नहीं तो अभी तो पानी आता है। हाँ। और बारिशों के साथ वैसे इस टाइम पर बर्फबारी होती नहीं है मेरे ख्याल से, अभी जो बहुत सारे इलाकों में अभी जो है वो बाबू से टॉप पर काफी लोग जो है वहाँ पे फंसे हुए हैं बर्फबारी की वजह से, तो इतना तो नहीं होता है इस टाइम पर, तो नहीं होता है इतनी बर्फबारी हो रही है वहाँ पे, मतलब सुभान अल्लाह। शायद और मुल्कों में होता है वो जो नहीं हो, जून जुलाई में शायद हो सकते है सर्दी होता है और कंट्री अभी तो पूरे वर्ल्ड में तो हम लोग जगह नहीं देखा हुआ है। हाँ जी सर, जून जुलाई में तो गूगल मैप देख हो सकते है
बर्फबारी तो हो सकता है वो ठंडा इलाकों में होता है, मिसाल के तौर पर या फिर जनवरी फरवरी में सर्दी होता है, कुछ ऐसे वॉट कंट्री होता है वहाँ पे जून जुलाई पे भी वहाँ पे सर्दी होता है, इतनी चेंज है। उनका मॉनसून दिसंबर में होता है ना इसलिए। हाँ ना बिल्कुल, ये बस ये सितर ये अलापा के आजाद है हम लोगों के, हम लोगों ना शुक्रिया हो गए। सही बात है, बिल्कुल जी, बहुत गुनाहगार हैं हम लोग होते हैं जो बात है। और हकीकत है, फिर भी मैं मुझे खुशी हो गई कि शुक्र है कि कराची में तो बारिश हो गई, हम लोगों से हुआ या नहीं हुआ कराची पे तो हो गई, नहीं आप वहाँ पे भी हो जाएगी इंशाल्लाह, आपने परेशान नहीं होना, सही है। और ये कहना चाहता हूँ सर, ये बारिश में आपको क्या चीज बहुत ज्यादा याद आ जाती है? अच्छा। बारिश में सर एक जो मेरा उलझ नहीं बारिश के हवाले से, जब हम लोग पुरानी यादें लम्हे जब हम लोग दोस्तों के साथ में अलग गुलग कर रहा था, समोसे पकौड़े चीजें हम लोग कर रहा था, सही हो गया, ठीक हो गया, बहुत ज्यादा याद आता है। और दूसरा आपने बोला कि दोस्त में क्या खुशियात होना चाहिए, मेरा दोस्त क्या सर ये क्वालिटी होता है कि मैं उसको बोला कि मेरा नंबर से बैलेंस सेंड करा, मैं सेंड पे कान मिलाते हैं अच्छा बैलेंस सेंड कर लेते चले सही हो गया, जबरदस्त हो गया चले अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई। हाँ जी, और पुराना की बात सुनो। हाँ जी, हाँ जी, यकीन करे पूरे पाकिस्तान में इतना ज्यादा अर्जित नहीं आते जब आप आते हो, आपके साथ बहुत अच्छी तरह सूट कर रहा है। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया, ठीक है, अल्लाह आपका हमेशा इसी तरह मुस्कुराती आमीन सुम आमीन इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला को बहुत खुश रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चले जी नेक्स्ट कॉल को शाम कर देते हैं, कौन है हमारे साथ लाइन पर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू टू। कैसे आप रिजवान मेरे भाई? ठीक है, खैरियत से हैं? पहचान लिया मुझे? हाँ जी पहचान लिया, बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम फराना जी, क्या कहेंगे? अच्छा मुझे, मैं प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बड़ा अच्छा टॉपिक जा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैंने अपनी बहुत पुरानी यादें एक पेपर पर लिख के रखी है, प्लीज सुनिएगा। हाँ जी बताइए। अच्छा मैं ये कह रहा था, जब हम बचपन में थे, मतलब बच्चे थे इससे थे, तो जब बारिश होती थी तो हम कागज की कश्तियां बना के पानी में बहुत चलाते थे, फूस मार मार के। और दूसरा हमारी अम्मी बहुत हमसे बहुत मोहब्बत करती थी, हम जब भी फरमाइश करते थे वो पूरी करती, और बेसन के पराठे और आम और प्याज और हरी मिर्च की चटनी बनाती थी, यानी आम का गूदा उसको पीस के इस तरह। जी जी मुझे पता है जी, वो मुझे पता है सारी चीजें सुनेगा प्लीज। हाँ, अच्छा सुनाइए। तो वो आम का पल्प मैंने यूज करके उसमें हरी मिर्च काट के और नमक और काली मिर्च मिलाएं, जो भी आम मिलाएं, तो उसका वही बूदा सा बना के चटनी कह लें जो जी बेसन के पराठों के साथ, और कभी चने की दाल के पराठों के साथ, और बहुत मजे के पकोड़े गुलगुले। गुलगुले समझते हैं आप लोग? हाँ जी बिल्कुल समझते हैं, क्यों नहीं समझेंगे, कराची वाले हैं हम गुलगुले अच्छा। समझते हैं आप इनकी तो बातें सुने, पकोड़े गुलगुले और पकौड़े गुलगुले और वो हरी मिर्च जो काट उसमें मसाला भर के बनाते हैं वो। हाँ जी। और कहना चाहिए वो एक नुक्तियां नुक्तियां वो भी, और एक पकौड़ी की तरह होते हैं मीठी मीठी दुकान पे मिठाई की दुकान, नुक्ते दाने कहते हैं उसको, तिन, तिन लगाते हैं, तिन। उसको कहते हैं अनरसे की गोलियां। हाँ हाँ नहीं मुझे तो नाम देने नहीं आ रहा, तो मैं यही कह रहा था कि अच्छा। बड़े खाने में मजा आता है, यानी गरम गरम हो। हाँ। तो बहुत मजा आता है, गरम गरम पकौड़े गुलगुले। अच्छा और यही सही हो गया, ठीक हो गया, चले जबरदस्त हो गया। रोगनी रोटी और उसके साथ भी वो सरसों का साग, सही है भाई, ये सारे पूरी दुनिया के खाने आज ही गिनवा देंगे, बस हो गया। और इसके अलावा दूसरा, अच्छा इससे ये कि मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कर रहा हूँ, मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था, और आपको मैं बताऊं कि मैंने मतलब फोन करने से पहले नादे अली पढ़ी थी, मैंने कॉल मिलाई क्या है या अली मौला अली मेरी मुश्किल को शवाली मेरी कॉल मिल गई। अच्छा ठीक है, मेरी कॉल मिल गई, बहुत अच्छा हुआ। चलिए अगर आप दोनों वाफिल पढ़ लेते तो शायद आपको और ज्यादा फायदा हो जाता। जी
चलें बहुत शुक्रिया। हाँ बहुत दिन पहले मैंने कॉल की थी, लग गई थी, आज कॉल लगी है। हाँ चलें जबरदस्त, काफी टाइम बाद आपसे बात हो रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें बहुत शुक्रिया, टाइम चेक भी हमारे पास आ रहा है। हाँ जी जल्दी 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 फटाफट, एक मिनट। हाँ जी वो पहले टॉपिक का जवाब तो दे दिया ना कि बारिश होती है, जवाब दूसरे टॉपिक को बता दें आप। दूसरा टॉपिक बता दें प्लीज काइंडली। दूसरा टॉपिक दोस्तों की क्या खसूसियात होती है, आपको क्या लगता है? दोस्तों में सबसे जो अहम खसूसियात ये है कि दोस्त जो है ना मुखलिस हो, यानी बेलोस हो। अच्छा सही है, यानी जब भी आपको सीधे जरूरत हो वो पहुँच जाए, और जब उसको जरूरत हो तो आप पहुँच जाए, दोस्ती इसी तरह चलती है। ठीक हो गया, चले सही हो गया, जबरदस्त हो गया। रात का एक बज रहा हो या दो बज रहा हो, जो भी टाइम हो, जब भी दोस्त आपको कॉल करे या बुलाए, सही है ठीक हो गया, चले जबरदस्त हो गया रिजवान। एक और दूसरा ये कि मेरा बहुत मौजबाना इज्जत एहतराम और बहुत इज्जत एहतराम के साथ आपके वालिदैन को बहुत बहुत मौजबाना सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और मैं उनके लिए और आपके दोनों के लिए, खुशूसन आपके वालिदैन के लिए और आपके लिए जरूर, बहुत शुक्रिया मेरे वालदैन के लिए। जरूर आप लोग दुआ किया करें, मेरी गुजारिश है, ताकि वो जो है वो सेहतमंद रहे, सेहतियाब रहे, जो भी थोड़ी सी कुछ सेहत के मसाइल चलते रहते हैं। तो बात सुने, हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि वालदैन किसी के भी हो, वालदैन बहुत मोहतरम होते हैं, बेशक 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 ऐसे वो आपके वालदैन हैं जिसके मेरे लिए बहुत मोहतरम इज्जत और एहतराम के लायक हैं। बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रिजवान। और अब हमारे पास टाइम, हमारे पास ब्रेक भी आ रहा है, ठीक है, चले फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। सही है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इतना टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ तो भाई नुकते हैं। चले छोड़ो यार, मैं ऐसे ही हूँ, क्या करें। अभी मैं कॉल इन लूंगी क्योंकि आ रहा है ब्रेक हमारे पास, दो मिनट बाद काशिफ अंसारी करेंगे। मुझे तो बारिश में याद आता है, क्या याद आता है, पेरेंट्स गुलाला ही, वो कौन सी फॉन्ट लगाई, क्या मैं दूरबीन लगाऊं देखने के लिए क्या लिखा है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया राना कामरान कहते हैं। अभी हम हमारे शहर में बारिश नहीं हुई है, कौन सा शहर है आपका राना कामरान मेरे भाई? बराज करें, प्लीज सॉन्ग अच्छे प्ले करो, दिल का सुकून मिले, बता दो। अंकल वाला गाना प्ले करें, वो बहुत दिन हो गए ना अंकल का गाना प्ले नहीं किया। अरे हम ना गाना प्ले करते हैं स्ट्रिंग्स का, सजनी आ गया मुझे याद, सजनी गाना अच्छा है। चलिए जी सजनी प्ले करते हैं, राइट, एंड यस कॉल में शामिल करूंगी लेकिन ब्रेक के बाद। फिलहाल अभी हम इस गाने को बैकग्राउंड पे रखेंगे, एंड दिस इज सजनी, सजनी बाय। अरे नहीं यहाँ से नहीं प्ले करना, यहाँ पे तो कॉपीराइट आ जाएगा, यहाँ से प्ले किया तो बड़ा मसला हो जाएगा। सो हम प्ले करेंगे, यहाँ से भी नहीं प्ले कर सकते, चले यहाँ से प्ले कर देंगे। ओके यहाँ से प्ले करेंगे, और अभी तो टाइम है, एक मिनट है अभी, फिलहाल जब तक एक मिनट तक हम इसको एंजॉय कर लेंगे। यस, कहना था जो कुछ भी तुझसे, भूलिए हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। कागज की नाव पे लिखा आधा पौना झूठा सच्चा, लफ्जों के दरिया में बह गया। लाओ हाँ जल्दी से एक वादा तो कर ले, हर देखो कहो तुम जी ले या मर ले। सजनी चले जी। गाना तो देखें फीमेल के लिए, पूछा था जो कुछ भी मैंने, कंगन वाली झुमके गहने, सपना सा आँखों में रह गया। जोनिश खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अभी हमारे विंदर बलोचिस्तान में पता नहीं क्या लिखा था, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अमर कह रही है कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ, अब बारिश में ना टाइटैनिक बना के बहा दूंगी, और उसमें ना वो भी सब रखना नहीं भूलूंगी जो चीजें यादें परेशान करती हैं, उसके बाद चीखे चीखे के हैं
चीख चीख के टाइटैनिक सॉन्ग गाऊंगी ऑन माय फेवरेट सॉन्ग। चले जी हमारे पास है टाइम चेक, नहीं टाइम चेक नहीं ब्रेक। वन, अपने डिस्ट्रिक्ट के बैतुल माल के दफ्तर जाकर इमदादी फॉर्म वसूल करें या उनकी वेबसाइट से ये फॉर्म डाउनलोड कर लें। ये याद रखें कि माली इमदाद व्हीलचेयर, आर्टिफिशियल लेग और आलाय समाज के अलग अलग फॉर्म्स और रिक्वायरमेंट्स हैं। स्टेप टू, इस फॉर्म को फिल करके MD बैतुल माल इस्लामाबाद में पोस्ट कर दें। माली इमदाद के लिए आपको नंबर एक माजूरी वाला शनाख्ती कार्ड और नंबर दो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की कॉपी दरकार होती है। व्हीलचेयर के लिए आपको नंबर एक माजूरी वाला शनाख्ती कार्ड की कॉपी, नंबर दो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की कॉपी और नंबर तीन 6x4 इंच की फोटो जिसमें माजूरी जाहिर हो दरकार होते हैं। हियरिंग एड और आर्टिफिशियल लेग के लिए नंबर एक माजूरी वाला शनाख्ती कार्ड की कॉपी, नंबर दो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की कॉपी, नंबर तीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल रिपोर्ट और नंबर चार एस्टिमेट दरकार होते हैं। माली इमदाद व्हील चेयर, हियरिंग एड और आर्टिफिशियल लेग लेने वाले शख्स की उम्र अगर 18 साल से कम है तो वो अपना बी फॉर्म और वालिद या वालिदा का शनाख्ती कार्ड की कॉपी भेज सकता है। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय CBM इंटरनेशनल एंड MALC। आपके दिल की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2। सुना तुमने मैंने जो कहा। राइट, वेलकम बैक। बिल्कुल जी, वापस आ चुके हैं। काशी बाजारी कह रहे हैं कि एक बात है आपा, गुलगुलों से परहेज करना चाहिए, गुड़ चाहे जितना खाए कोई मसला नहीं है। नहीं, गुलगुले वैसे हमारे यहाँ तो शादियों में बनते हैं गुलगुले, आप लोगों को हमें नहीं पता। वैसे जो उर्दू स्पीकिंग फैमिलीज होती है वहां पर जो है वो शादी से एक दिन पहले, जैसे बारात है ना, अगर लड़के की बराती है लड़की की बारात है तो एक दिन पहले जो है वो गुलगुले बनाए जाते हैं। यानी कि अगर जैसे कि मायों वाली रात में, राइट, मेहंदी की रात में, ये वाला सीन है। आई डोंट नो बाकी लोगों के यहाँ क्या रस्में होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है गुलगुले बनाए जाते हैं ब्लाउज में, रात में बैठ के गुलगुले। हाँ भाई, गुलगुले बना रहे लो भाई, कोई बात है गुलगुले क्यों बना रहे हो? कुछ और बनाए भाई, बना रहे तो बिरयानी बना ले यार, चिकन बिरयानी बना ले, नहीं गुलगुले बना रहे। खैर बिरयानी तो खैर शादी में भी होती है, बट वो हर चीज का एक अलग चार्म होता है ना, तो उसका भी एक चार्म है कि वो एक रस्म बना दी है कि वो गुलगुले बनाते हैं। और वो एक वो जो लड्डू नहीं बनाते हैं, सूजी के लड्डू जो होते हैं, यू नो उसमें सारा मेवा और पता नहीं क्या कुछ, यू नो तो वो माइयों में जो है कि पता नहीं क्या एक खास नाम होता है उसको, कुछ कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है नाम, लेकिन कुछ कहते जरूर हैं। खैर जो भी कहते हैं हमें क्या, और साथ साथ हमें क्या, और नहीं तो क्या, गाना दूसरा प्ले हो गया भाई, साथ साथ शायर आ गया खुद ही, नहीं हमारे अंदर का शायर कभी नहीं आता यहाँ पे शायर आ गया। सुन सजना वे दिल दी आवाज़ां, तेनू मंगदा मैं पढ़ के नमाज़ां, मैं दिन विच लिखदा तेरे ही बारे, ते राती गिणदा रहंदा तारे, असी तारे गिणन दे नी हुण माहिर हो गए, याद च लिख लिख के अस शायर हो गया, असी तारे गिनण देनी हुण माहिर हो गया। अच्छा जी, होना चाहिए कहने के कॉल नहीं ले अभी प्लीज, क्यों भाई क्यों कॉल नहीं ले हैं? अंबर कह रही स्ट्रीम प्लीज ब्लॉक हो जाओ अंबर ऐसी बात करोगी तुम। कामराज कहते हैं कि मजा के रिजवान भाई चले जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, गदाया मुस्तफा करम मालिक साहब कह रहे हैं कि अल्लाह पाक का बहुत करम है कि सज्जाद मालिक साहब सेहतमंद हो गए। हाँ जी बिल्कुल, और साथ साथ नंबर कह रही है नो प्रॉब्लम इट्स ओके फॉर व्हाट नंबर, उसे कह रही रिजवान भाई अभी तक ना नाश्ता नहीं किया आप, बस कर दे आप काजू वाले वाले कह रहे अरे रिजवान भाई चलने चलते फिरते सुनेंगे आपकी आवाज अभी ज्यादा दो यार कैसे हैं आप लोग, काजू बाजारी कह रहे माशाल्लाह रिजवान भाई आप बहुत सारी अरे नहीं बहुत ही प्यारी बातें करते हैं जिशान खन्ना वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया यार। ये क्या सीन है जिशान और खन्ना, शायर हो गया
सी लुक दे छुप दे भी। अमर कह रहे कुछ कुछ होता है फरहाना तुम नहीं समझोगी तो मुझे समझाओ ही मत तुम। आरिफ हुसैन कहते हैं माशाल्लाह बहुत शुक्रिया प्रिंस रोमी, वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन, थैंक यू, वाओ कैसे ठीक है मेरे भाई, खैरियत से हैं। लेट्स सी के कौन है हमारे साथ लाइन में, कॉल ड्रॉप हो गई, मैं जहाँ सोचती हूँ कॉल शामिल करूँ लेकिन कॉल ड्रॉप होती है, कौन है भाई। चले अब दूसरी कॉल आती है मैं रिसीव करती हूँ। काशिफ अली मलिक कहते हैं कॉल आ रही है, लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है असलम अंकल, कैसे हैं आप? अल्लाह करम है बेटा, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है टाइल करते करते। अंकल क्या करें मैं, सब तो यही सीन है। अभी की कॉल मेरी कटी थी, आप मैसेज पढ़ रही थी। अच्छा मैंने कहा शायद आपकी ड्रॉप हुई, मैंने कहा पता नहीं किसकी ड्रॉप हुई, आपकी ड्रॉप हुई होगी फिर। अच्छा तो क्या लोग पूरी पराठे खूब खा रहे हैं। अच्छा अरे वाह क्या बात अंकल, आपकी तो चांदी हो गई माशाल्लाह। सब सुन रहे हैं। अच्छा सब बोले अपने कान बंद कर ले कहानी क्या होता है कान बंद कर ले। हाँ जी अंकल अनरसे की गोलियां सही नाम लिया ना मैंने, मैं भी बना लेता हूँ। अरे वाह अंकल बहुत मजे की होती है वो, क्रिस्पी क्रिस्पी बट इतनी ज्यादा ऑयली होती है ना वो, तो आई जस्ट अवॉइड दैट। अच्छा अच्छा वो चावल से बनती है, ओके। अरे वाह, अगर एक किलो चावल है ना फिर अच्छा तो आधा किलो चीनी लगती है उसमें सीरा बनाया जाता है। अच्छा अरे वाह अंकल, वो चावल में बता भी रहा हूँ आपको, कभी ट्राई करो तो घर में बना भी देना। चल अंकल मैं मीठा नहीं बनाती अपने घर में, मीठा बनाना मैंने बहुत टाइम से छोड़ दिया है मेरे फादर की वजह से, उसके बाद जो है ना मीठा बनाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा तिल के ऊपर उसको बेलते हैं लंबा लंबा, छोटी छोटी गोलियां डालते हैं। अच्छा अरे वाह क्या बात है अंकल, वाह 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 जबरदस्त। चले आई विल ट्राई समडे, बता भी दूं भाई क्योंकि मुझे तो बनानी आती है। जबरदस्त हो गया अंकल। अंकल आप करली झील घूम कर आ गए? करली झील घूम के भी आ गया बेटा, और रेडियो छोड़ दिया मैंने वहाँ पे। अच्छा ओ ये क्या किया अंकल आपने? मुझे पता नहीं था, घर घर कर रही था रेडियो। मेरी बच्चियाँ कह रही है आ नहीं रहे हो नाने। अच्छा बेटा सो चालू होने वाला फराना का, सो स्वीट सो स्वीट। तो मेरा गुस्से में वही पानी में फेंक दिया लेकर आया हुआ 700 रुपए का। देखा आप नुकसान कर दिया ना अंकल, आपने गुस्से में पानी फेंक दिया, इसलिए कहते हैं नुकसान देता है। क्या कह रहे गुस्सा जब आया था आदमी को तो देखता थोड़ी है सुनता तो है ना अच्छा। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे चाहिए था मैं बैलेंस डलवा लेता, पैकेज करवा लेता। और क्या अंकल, आप अंकल आपने भी पूछा ही नहीं, आप पूछ लेते, हमारे वहाँ भी नहीं जाता शो हमारा। नहीं अंकल कराची और कराची से करीब करीब जितने हैदराबाद सखर ठट्टा ये इलाके हैं ना यहाँ तक तो जाता है हमारा शो। हमारी ख्वाहिश पूरी कर दो। क्या अंकल बताइए, पुराना गाना है बेटा। कौन सा गाना है? हमारी जवानी का। हाँ जी बताइए, बिंदिया और मोहम्मद अली का गाना बताइए अंकल। कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बहाने। अच्छा कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बहाने। चले अंकल मैं ज्यादा ज्यादा प्ले कर दूंगा, आप रेडियो पर सुन लीजिएगा ठीक है? चलें बहुत शुक्रिया अंकल, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके कुछ देर तो रुक जाओ बारिश के बहाने, तेरी याद चली, फिर बारिश रुक जाएगी तो फिर मतलब ऐसे ही सवाल आता है ना जहन में कि भाई बारिश रुक जाएगी उसके बाद फिर चल जाओ, चले जाओ फिर अपने घर, ये क्या बात है। फिके फिके जे तू मिठा मिठाए, असी थोड़े सांवले तू चिट्टा चिट्टाए, असी फिके फिके जे चले जी कॉल आ रही है और कमेंट्स बहुत सारे हैं। प्रिंस कहते हैं क्या कह रहे हैं प्रिंस नोमी, बहुत शुक्रिया वालेकुम अस्सलाम। और साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं आपको मैं नहीं बोलूंगा कि आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करें। हाँ तो आप मुझे बोल भी नहीं सकते हैं, आप नहीं बोल सकते वैसे, लेकिन मैं सर्च नहीं करूंगी पता नहीं कौन से गाने बताते हैं, कौन से लेके आते गाने। और कॉल को शामिल करें, लेट्स सी कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम,
हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन हमारे साथ? जी मैं रहीम बख्श जलवानी बात कर रहा हूँ। जी रहीम बख्श मेरे भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बस शुक्रिया का, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। जी क्या कहेंगे? हम तो और गाने की फरमाइश करेंगे, हमारे बड़े बड़े मेहमान आए हुए हैं, प्लीज। अच्छा गाना चला दीजिए। कौन सा गाना बताइए, अगर पॉसिबल हो तो चला दूंगी। हाँ कोयटा से आए हुए हैं हमारे मेहमान, बड़ा मेहरबानी, आप हमारा गाना बजा। देखिए मैंने कहा अगर पॉसिबल हुआ तो चला दूंगी, प्रॉमिस नहीं करती, सही है ना? कोशिश करेंगे हम। पेशावर की रानी मेरा नाम शेर खान है, वो गाना चला दे। गाना तो देखो पेशावर की रानी मेरा नाम शेर खान है, तो पेशावर की रानी बोले भाई अगर हम क्या करें तुम्हारा नाम शेर खान है तो फिर है। कोयटा से मेहमान आए हुए हैं इसलिए कह रहा हूँ। कोयटा से तो पेशावर का गाना क्यों चलवा रहे हो? पश्तो में है गाना, पश्तो और उर्दू में मिक्स है। चले आई विल ट्राई, मैं इसको प्ले करूँ, ठीक है? नहीं मैं नहीं भाई, देखिए पक्का नहीं है, मैं कोशिश करूंगी, सही है, क्योंकि कॉपीराइट का इशू होता है, सही है? फिर कल लगाइएगा। चलें कल देखते हैं, सही है? इतवार तक हमारे मेहमान हमारे साथ, इतवार को लगा देंगे, सही है? इतवार को हाँ, इतना बड़ा टारगेट। चलो आपकी मर्जी। नहीं मैं जो है मैं कोशिश करूंगी मेरे भाई, परेशान नहीं हो, सही है? चले बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। गाने की फरमाइश करने के बाद टॉपिक में कुछ नहीं, शो का कुछ नहीं, गाने की फरमाइश कर दे। चले आई विल ट्राई कि मैं प्ले करूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट बट आई विल ट्राई ऑफ कोर्स, क्योंकि कॉपीराइट भी देखें हर किसी के पास राइट है, वो कहते कॉपीराइट है। ओके अच्छा, अमर कह रही है कि अच्छा हुआ चेंज हो गया सॉन्ग, कौन सा वाला सच नहीं पसंद नहीं आया? अरे यार अमर तुम भी ना मिठड़ा मिठड़ा, तो फिर मैं वो लगाऊं, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा, ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। ये लो अंबर तुम्हारे लिए, जो गया मैंने वो भी तुम्हारे लिए अंबर, ये वाला भी तुम्हारे लिए। दिल तुझे धड़कते हुए मैंने सुना है पहली बार, सनसनी अजब है कहीं, ये क्या हुआ है पहली बार, तू आसमां पे यूं ही उड़ता जाए, तुझको जमीं पे कैसे कोई लाए, ए दिल बता रे ढूंढता है क्या रे, थम जा जरा हाथों से ना जा, तू जो चला रे रास्ता अच्छा जी चलें जी, कॉल आ रही है मुसलसल और हम अपने एंजॉय करने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आयशा, कैसी हो लड़की? मैं आपकी तरह प्यारी खूबसूरत। हाँ, मेरी तरह नहीं, आप मुझसे ज्यादा प्यारी हैं, सही है? हाँ जी कैसी हैं आप? ठीक है, हैरियत है, मजे में एंजॉय कर रही है? सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा वाह भाई क्या बात है। हमारे पास तो कल बारिश नहीं हुई। क्यों भाई आपके पास क्यों बारिश नहीं? कौन से शहर में भाई? मैं तो कराची में हूँ। तो फिर हॉक्सबे की तरफ नहीं? यार हॉक्सबे पे बारिश नहीं हुई? अरे ऐसा कैसे हो गया? बस पूरे कराची में बारिश और हॉक्सबे पे बारिश नहीं है यार, व्हाट इज दिस? चलें कोई बात नहीं, हो जाएगी बारिश, आप तो समंदर के किनारे रहती हैं, कोई बात नहीं। चलें हो जाएगी इंशाल्लाह। और मैं क्या सुनाऊं, क्या सुनेंगे आप बताइए? अभी जो गाना सुनाई थी। सुना तो दिया वो मैंने। कल हमारे पास बिल्कुल थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी। अच्छा तो उसमें मुझे चिप्स याद आ गए थे। अच्छा चिप्स याद आ गए थे। कौन से वाले? फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज और वो वाले चिप्स? अच्छा फ्रेंच फ्राइज ना, राइट ओके। और दोस्तों की खुसूसियात मतलब परस नहीं होने चाहिए। हाँ सही है। और ऐसा दोस्त हो ना जो मजाक समझे, अगर मैं मजाक करूं
तो वो मजाक समझे ना, मुंह बना के ना बैठ जाए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। बस और क्या बताऊं। बस और बताएं, और क्या मतलब, अभी कैसी हवाएं चल रही हैं? नमकीन हवाएं चल रही हैं, मीठी हवाएं चल रही हैं? कोई नहीं, बिल्कुल हवा बंद है। हवा बंद है यार, समंदरी हवाएं नहीं चल रही है। और कल मेरी कॉल नहीं लगी, आज तो मैंने कहा करके रहूंगी। चलो कोई नहीं, आज तो लग गई आपकी कॉल है ना। अभी दो तीन कॉल लगी। अच्छा, आप अपने गाने में मगन थी। अच्छा, हाँ मैं बस ना, मैं एंजॉय करने लग जाती ना गाने, बस तो फिर क्या करें, चले खैर ऐसे ही है, हम क्या करें, बस गुजारा कर लें। आप लोग कर रहे हैं कब से? कर रहे हैं कब से यार, ऐसा लग रहा है कि मजबूरी है यार, कर रहे हैं कब से, गुजारा कर रहे हैं। चलो जाइए, चलो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखिए। थैंक यू सो मच कॉलिंग, खुश रहिए। कौन है हमारे साथ लाइन पर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मोहम्मद फयाज। मोहम्मद फयाज, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जी। क्या कहेंगे मेरे भाई, बारिश के हवाले से? हाँ जी, बारिश के हवाले से नहीं, आप धूप के हवाले से कहना चाहते थे, उसके हवाले से कह दें। बारिश के हवाले से अच्छी लगती है, बेसन के पकौड़े। बेसन के पकौड़े, पापड़ होते ना, पापड़, पापड़ गोल वाले, छल्ले वाले। कौन से वाले पापड़? गोल वाले पापड़ होते ना। अच्छा, के साथ। अच्छा, बहुत अच्छे लगते हैं, गरम गरम। अच्छा, सही है। अच्छा, दोस्तों की रही बात। हाँ, बस जरूरतमंद होने चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि तुझे जरूरतमंद होने चाहिए, इस्तेमाल करें जरूरत के लिए। अच्छा, ऐसा ना हो कि हमें तुझे जरूरत के लिए इस्तेमाल करें, मतलब मुखलिस होने चाहिए, पुरखलूस हो यार के, जी बेलॉस हो, सही हो गया। मतलब ऐसा होता ना कि अपना काम हो तो याद कर लिया, और भाई कैसे हो, इसके अलावा मतलब वैसे कोई रास्ता, मतलब परस्त दोस्त ना, मतलब परस्त होते हैं ऐसे दोस्त बहुत है ना। जी जी, सही हो गया, सही हो गया। और इसके अलावा कुछ कहेंगे? इसके अलावा बस यही, माशाल्लाह आपके हाथ बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। और वो कल शबम भी आई थी तो उनका भी आवाज़ बहुत अच्छी है। हाँ जी। लेकिन अरुषा से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब इस तरह तो नहीं होना चाहिए ना। हाँ। ये आपस में दूसरे को इस तरह कर रहे हैं, ये बीज मालो है, ये इनके अंदर एक बीज मालो है, तो इसलिए ये किरदार अदा करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, उनको करने दे, में फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अच्छा नहीं लगता ना, वो आपस में दूसरे के बारे में। नहीं, वो मजाक की बात है, नहीं वो मजाक था, ऐसी कोई सीरियस बात नहीं हो रही थी, वो मजाक में ऐसी वो कहते हैं बस, ऐसी कोई बात नहीं। देखो हर इंसान की एक अपनी पहचान होती है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो सबका ना इसी अलग होता है, दोनों की आवाज अच्छी है। बहुत शुक्रिया। क्या करूँ मैं कह रहा हूँ, आपकी तो माशाल्लाह आवाज अच्छी है ना। बिल्कुल, चलें जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम, कल के लिए भी सलाम, बहुत शुक्रिया, मेरे अब्बू के लिए भी बहुत सारी दुआएं, अल्लाह जज़ाकअल्लाह तंदुरुस्ती रखे, और आपको आमीन और पर हमेशा साया सलामत रखे। आमीन सुम आमीन सुम आमीन, जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके, यार अब कॉल शामिल करेंगे, 49 हो गए। मैंने आज कॉल बड़ी कम शामिल की ना। अच्छा चले, हाँ वो हम एंजॉय करने में लग जाते ना, तो फिर पता नहीं चलता, टाइम निकल जाता। अभी तो फिर कह रहे हैं कि मेहमान अंकल, आई मिस यू, थैंक गॉड कि आज अंकल की कॉल नहीं आई, मतलब आराम कर रहे होंगे ना, अच्छा है ना। और ये वाला मैंने मैसेज जान बूझ के ऐसे पढ़ा अभी तमीर, ताकि जब मैं ये शो अपलोड करूंगी ना, मैं आज ही अपलोड कर दूंगी वाला शो। आप देखिए, ये वाला शो मैंने आज ही अपलोड करना है, ताकि कल ना अंकल कॉल करें, कल अंकल कॉल करें, और अंकल ऐसी मजे मजे की बातें करेंगे ना, अभी तमीर, ओ माय गॉड, इतना मजा आएगा ना मुझे।
एतराज करें कि सजनी लगाओ फिर से ना मेरा मैंने नहीं सुना पूरा सॉन्ग। बेटा तुम्हारे फोन में यूट्यूब नहीं है, जो पूरा सॉन्ग वहां जाके सुनो। प्यार की बाजी जीत हम क्या करें, हार जाए खेल है ये दीवानों का, बेचारे नादानों का कौन ऐसी राह जाए, ना जा खयालों में उलझे सवालों में यूं ना दिल ऐसा जी। फराज कह रहे हैं आयशा बेटा पानी में ना नमक डाल के पिया करो। फराज हद हो गई है, उसकी नेचुरल आवाज ऐसी इतनी प्यारी। और साथ साथ अंबर इस्लाम कह रही हैं कि दोस्त वो है जो बरसों बाद भी पता नहीं क्या लिखा, तो लड़की दोबारा लिख दो। और कराना कामरान कहते हैं अभी मैं भी समंदर के किनारे ही हूँ। और कासिमुतान है, कासिमुतान ये कौन सी जगह है, है ये मैंने पहली बार नाम सुना है मैंने। फराज कह रहे कुछ लोगों को ना बस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। वैसे फराज तुम्हारे अंदर वाकई एक बीजा मालो है, मैं तुम मान लो इस बात को, तुम ना थपकी दे दे के सुला दो उस बीजा मालो को। जिशान खाना कहते हैं अभी सॉन्ग ऑफ करते हैं, आज ना अपनी आवाज में सॉन्ग सुना दे, मैंने सुना तो दिया अपनी आवाज में सॉन्ग और क्या जा रहे हो। और साथ साथ सज्जाद अंकल कहना आज तो माशाल्लाह मेरी प्यारी क्यूट सी बेटी आयशा कासिम की बहुत ही स्वीट कॉल सुनकर ना बहुत अच्छा लगा। वाह क्या बात अंकल, क्या ही बात अंकल। उसे कह रही है उफ काली हो जाऊंगी आपके शो में कॉल करने के चक्कर में। लड़की ना धूप में जाके छत पे जाके मुझे कॉल करती है इसलिए कह रही है। और कॉल नहीं मिलती एक घंटे तक। हाय रूसा, चलो रूसा कल कॉल करना। पर आज कह रहे हैं गरज बरज सामान गिरायो। काशिफ कह रहे हैं भाई मैं तो नाश्ता करने चला, लावेज मेरी बहना, अल्लाह हाफिज काशिफ मेरे भाई। इंजमाम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, वालेकुम अस्सलाम वेरी वेल बनी अफगान मियां वाली से सुनते क्या बात है शरीफ, वाह वाह फराना भी मजा आ गया। अरे बहुत शुक्रिया लड़की, मुझे भी बहुत मजा आपसे बात करके। काशी वाले मलिक नहीं नहीं माफ कर दे गलती हो गई आपको बोलकर, अब नहीं बोलेंगे सर्च करने का। नहीं नहीं आप बोला करें आप लोग मुझे सर्च करने का गाना, मुझसे कह रही है करने दे कंपेयर सानू की और रही तो क्या सानू की। आयशा कह रही है अरे फराज भाई आप कोई बात कर ले और कोई बात कर ले, रूसा और सबा की तो बात और ही है। और साथ साथ आयशा कह रही है हाँ जी पढ़ लिया काशी वाली मलिक का मुंह टेढ़ा हो गया, क्या हो गया भाई, सो सैड वाई मूड इज सो ब्लू, बट आई लव ब्लू एक्चुअली, आई लाइक ब्लू कलर। आप तो फिर कह रहे हैं कि इतने गरम गरम सॉन्ग प्ले कर रही हैं और हब्स हो गया है, अब सुना दें बहारा बहारा हुआ दिल पहली बार। मुकेश कुमार कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया मुकेश कुमार, अल्लाह हाफिज टाटा बाय बाय। फयाज कह रहे हैं कि फयाज अंकल छोटा भीम देखें ना बच्चा बच्चा देखता है, फयाज अंकल अच्छा फयाज को कह रहे हैं। कामरान शाह कह रहे हैं अच्छा तो आप देख देख कर मतलब के मैसेज पढ़ती हैं, मैं देख देख कर मतलब के मैसेज नहीं पढ़ती हूँ, जो मुझे मैसेज नजर आते हैं पढ़ती हूँ, जो नजर आते हैं मैं लाइक भी करती जाती हूँ, कॉल के दौरान भी मैं कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ। सही मैं देखें मल्टीटास्किंग आई एम यू नो, क्योंकि मैं जो है वो कॉल भी यहाँ पे ले रही होती हूँ साथ साथ अपने कमेंट्स आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ। फरहाना मुझे रो रही है और यार उसका पैर जल गया है, गरम गरम चाय गिरा ली उसने, दवा लगा दी है। चलें जी ख्याल करें बच्ची का, क्या बच्ची का पाँव जला दिया आपने, ख्याल नहीं रखती आप। और साथ साथ आप भी कह रहे हैं कि बारिश में मोबाइल याद आता है सेफ है ना, और घर में सामान पूरा है ना, क्योंकि बेगम बारिश में भी बाहर भेजेंगी वो तो अम्मी थी कि घर से निकलने नहीं देती थी। कह रहे देखा मुश्किल की कॉल ही नहीं लगी लगेगी, हाँ और हाँ अगर मैं रैमा की दादी होती ना तो अपनी फिंगर वाला लॉक लगाती, मोबाइल में मिलता ही नहीं। यार हद हो गई है। विक्की आफरीदी कहते हैं हाय डियर वेरी नाइस, जो बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच टाना कामरान, बहुत शुक्रिया कहते हैं कासिम टाउन, अच्छा कासिम टाउन राइट, कासिम टाउन ये मलीर की साइड पर नहीं है, कासिम टाउन आई गैस है ना, मलीर 15 से आगे कहीं मतलब या उधर अंदर कहीं पर है, हाँ इलाके पता है भाई सारे। जाना वाना तो नहीं होता खैर, मुझ कह रही है कि कभी कभी एक आध बार कभी जाना हुआ है, ऐसा नहीं है पर आई नो इलाकों का पता होना चाहिए था कि आप कहीं गुम जाए ना तो घर पहुंच जाए आराम से। वैसे तो आजकल कोई गुमता नहीं है, गूगल मैप है।
चाह जाए। फराज कह रहे फिर आयशा नमक नहीं डालना, चूहे मारने की दवाई आती है ना वो ऐड कर लो पानी में और वो पानी ऐड करके ना फराज को दे देना आयशा। फराज कह रहे हैं कि शुक्र है कि मुश्क की कॉल लगी बेचारी यार तुम लोग कैसे हो, हमें कह रही जबरदस्त कॉल रिजवान भाई की, बस वो ना बीबी गिर गया इतना सुस्ती वॉइस में और तौबा। अरे फराज कह रहे यू आर वेरी अनलिमिटेड नॉटी। अच्छा सही है, अनलिमिटेड हम होना नहीं चाहते नॉटिनेस में, यू नो। चले जी ज्यादा दे दीजिए, मुझे बहुत टाइम हो गया भाई, इट्स बीन 2 hours नाउ। इंशाल्लाह मिलेंगे अब हम कल सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। अंकल ने गाना बताया था असलम अंकल ने, तो गाना मैं रेडियो पे प्ले कर दूंगी अंकल, मैं पहले सर्च कर लूँ गाना ताकि मैं ना यहाँ से साइन आउट करने के बाद डायरेक्टली प्ले करके फिर हम जरा चले जाएंगे फिर घर, और नहीं तो क्या कुछ देर तो रुक जा। ओके सो आई हैव टू सर्च इट। अरे वाह भाई कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बहाने, वाह 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 क्या बात है। सो अपना और अपने प्यार को रखिएगा बहुत 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 ही ज्यादा ख्याल, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, और अपने चाहने वालों की भी रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआएं मगफिरत जरूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआ में। अजब है कहीं ये क्या हुआ है पहली बार, तू आसमां पे यूं ही उड़ता जाए, तुझको जमीं पे कैसे कोई लाए, ऐ दिल बता रे ढूंढता है क्या रे, थम जा जरा हाथों से ना जा, तू जो चला रे रास्ता फी अमान अल्लाह।